रीवा के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत घोगर मोहल्ले से जनता प्रेस के पास से एक लड़का एक लड़की को लेकर फरार हो गया। लड़की की शादी होने वाली थी, दोनों चाहते थे शादी अब वो आपस में हो, लेकिन घर वाले तैयार नहीं थे। मंडप सजने के पहले ही दुल्हन हुई फरार अपने प्रेमी के साथ। परिजनों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर गुमशुदगी की लिखाई रिपोर्ट, पुलिस जुटी जांच में। मिली जानकारी के अनुसार घोगर मोहल्ले के जनता प्रेस के पास रहने वाला एक युवक एक लड़की के साथ फरार बताया जा रहा है। लड़की की शादी होने वाली थी, घर में उसकी शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी। लड़की चाहती थी उसकी शादी जहां वह चाहती है वहां हो, लेकिन घर वालों को ये मंजूर नहीं था, घर वाले तैयार नहीं थे, जिसके चलते लड़की ने मौका मिलते ही अपने प्रेमी को बुलाया और घर से फरार हो गई। लड़की को घर में ना पाकर परिजन पहुंचे सिटी कोतवाली थाने, अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है, ज़्यादा कुछ बताने से अभी मना कर रही है पुलिस। पूरे मामले को लेकर हमने CSP रीवा शिवाली चतुर्वेदी से बात की। जी हाँ, ये कोतवाली क्षेत्र का मामला है और इसमें जनता प्रेस के पास रहने वाला एक व्यक्ति भाग गया है और इसकी गुम इंसान रिपोर्ट कायम हुई थी 17 तारीख को। तो इसमें पुलिस काम कर रही है और टीम बनाकर इसकी तलाश की जा रही है और इसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मंडप से लेके नहीं भागा है, वो पहले ही करीब 15-16 तारीख को भागा हुआ है और 17 तारीख को अपनी कायमें हुई थी। तो इसमें टीम जांच कर रही है, उसकी शादी अभी अवेटेड है तो उसी संबंध में टीम काम कर रही है। मतलब शादी का मंडप तैयार था कि उससे भी पहले लेके भाग गया? पहले लेके भाग गया है। पूरी योजना बना के रखा था, क्योंकि 6 दिन हो गए उसे खराब था। हाँ। हाँ, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और इसमें हमारी टीम लगी हुई है और इसमें जल्द से जल्द हम लोगों द्वारा इसको पकड़ लिया जाएगा।